वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं ईद स्पेशल में अपनी नंद के घर पे इनवाइटेड हूँ, तो प्यारा प्यारा रंगा रंग जर्दा बना के ले जा रही हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास धुले धुलाए सोक्ड 4 कप सेला चावल है। अगर आप चाहें तो बासमती भी ले सकते हैं। सेला अगर ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 1-1.5 घंटे पहले भिगोना होगा, और बासमती होगा तो 1/2 घंटे भी चलेगा। तो ये जो है भीगे हुए हैं और इसका पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया है। इसका चूल्हा अब हम ऑन करते हैं और इसके अंदर पानी डालेंगे। तो दो तरीके से चावल पकाए जाते हैं, या तो पानी उबल रहा हो और उसमें चावल डाल दें, और मैं कभी कभी इसका भी बनाती हूँ। तो इसमें 4 कप है तो मैं 16 कप पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पास है 10 कप पानी। छः कप के आसपास यहाँ पानी है। फ्लेम हमारी हाई है और इसे हम 90% तक कुक करेंगे। देखिए 18 मिनट लगे हमें इस पॉइंट पे आने के लिए कि जब पानी जो है वो अच्छे से उबल भी रहा है, चावल फूले फूले नज़र आ रहे हैं। तो अब चेक करते हैं कि कितने परसेंट हुआ है। तो चावल के दाने को उठाएंगे और ये हाथों से यूं करेंगे इस तरह से दबा के। तो ये देखिए दबाने से दब जाते हैं, ईजीली नहीं लेकिन दबाने से दब जाते हैं। अगर ईजीली तो जब होगा जब 100% होगा, लेकिन ये दबाने से दब रहे हैं तो ये 90% हो गए। तो चले सिंक की तरफ चलते हैं, स्ट्रेन करते हैं। पतीले को थोड़ा सा रिंस कर देते हैं और इसी पतीले को लिए चलते हैं। देखें कैसे शावर वावर लेके आ गया हमारा प्यारा पतीला। चूल्हा दोबारा ऑन कर दिया है और अब हम अपने पैन में डालेंगे 3/4 कप घी, बटर, मेरा है कोकोनट ऑयल, मैं कभी कभी तेल में भी बना लेती हूँ। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 7-8 छोटी इलायचियाँ। घी मेल्ट होता जाएगा और साथ साथ इलायचियाँ भी उसके साथ खुशबूदार होती जाएगी। वैसे तो मैंने बहुत तरह के जर्दे बनाए हैं, ये मैं जो है कलरफुल रेनबो राइस बना रही हूँ जिसको मुत्तंजन भी कहते हैं, वो भी मैंने एक बनाया है लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। जर्दे को देख के, मुत्तंजन को देख के अंदरूनी मुझे बड़ी खुशी सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कुछ खुशी का इवेंट चल रहा है, ऐसा लगता है उसके रंग को देख के, उसके जायके को देख के। ज़िंदगी ऐसी ही हो, सबकी मीठी मीठी रंगीन, ऐसी दुआ है। तो बस ये हमारा घी और इलायचियाँ जो है वो गर्म हो गई है, तो इसमें अपने चावल डाल देंगे। चावल को बराबर कर लेते हैं, फ्लेम को अब मीडियम कर देते हैं, उस वक्त मीडियम हाई रखी थी। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे 4 कप शक्कर, जो कि ऑलमोस्ट 1 किलो है, यानी 950 ग्राम के आसपास चावल भी है और शक्कर भी है। तो ये इसको हम फैला देंगे अपने चावलों पर। ऐसा लग रहा है समंदर किनारे मैं सैंड से खेल रही हूँ। चले अब इसे हम कवर कर देते हैं फॉर अराउंड 7 मिनट, और चूल्हा हमारा मीडियम और मीडियम लो के दरमियान है। तो यहाँ देखें 7 मिनट हो गए हैं, खोल के देखते हैं। ये देखें कितने खुश है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई बटर नीचे, घी नीचे, हम ऊपर है, चावल बीच में है, हमको मिक्स करें। तो हम मिक्स करते हैं हल्के हाथों से, हल्के हाथों से मिक्स करके। और अब इसमें हम अपने कुछ मेवे डालेंगे। तो यहाँ देखें मेरे पास है नारियल जो कि अराउंड 2 कप लिया हुआ है, खजूर है जो कि 1
थर्ड कप है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, बादाम है 1/3 कप, किशमिश है यहाँ 4 टेबलस्पून और ये काली वाली भी 4 टेबलस्पून, 1 हैंडफुल मैंने ऐसी नट्स ले लिए हैं। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बाद में थोड़ा थोड़ा डालेंगे। चूल्हे को स्लो कर देंगे। दोबारा हल्के हाथों से हिला लेंगे। और अब इसे हम बिल्कुल स्लो करके और कवर करके दम पे लगा देंगे। देखिए 8-10 मिनट के आसपास हो गए हैं, अब इसे हम खोलते हैं और अब इसे हम हिलाकर देखते हैं कि मॉइस्चर जो है वो है कि नहीं है। तो ये देखें, मॉइस्चर जो है वो नहीं है। तो इस पॉइंट पर अगेन हम फ्लैट कर देंगे और इसमें डालेंगे कलर, क्योंकि रेनबो राइस है ना, मुत्तंजन है। तो मैं यहाँ लिक्विड कलर डाल रही हूँ, लेकिन आपके पास अगर जैसे पाउडर कलर है तो 1 टेबलस्पून पानी लें और उसमें 1/8 टीस्पून कलर डाल के और घोल लें, या दूध में भी आप घोल सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी के जितने भी कलर लेने हो ले सकते हैं। मेरे पास ये लिक्विड है, अगर आपके पास लिक्विड है तो इसी पॉइंट पर डालेंगे, और अगर पाउडर है तभी भी इस पॉइंट पर, जैसे कि मैंने बताया कि पानी नहीं है। तो ये इस तरह से मैं यूँ बूंदे डाल दूँगी। तो ये मैं डालूँगी अराउंड 1/2 टीस्पून। ये मैंने 1/2 टीस्पून येलो डाल दिया और ये मैं लेस देन 1/2 टीस्पून ग्रीन डालूँगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ है ना। तो इस तरह से डाल दिया और अब रेड डालेंगे। रेड भी डाल देंगे अराउंड 1/2 टीस्पून के आसपास। अब इसके ऊपर थोड़ी सी अशरफियाँ डालेंगे, अगर है तो टूटी फ्रूटी, मुझे बहुत पसंद है। जर्दे में मुझे मेन चीज़ जो है ना, जिसका अट्रैक्शन है वो यही है। तो अब ये थोड़ा सा डालेंगे, 3 कलर में मेरे पास है। अगेन थोड़े से मेवे डाल देंगे इस पॉइंट पर। और इसको अगेन दम पे लगा देंगे फॉर 8 to 10 मिनट्स। तो चलिए 8-10 मिनट में मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल स्लो। और अगर आपका पतीला बहुत वो नहीं है, जैसे मोटे तले का या कुछ, तो पहले प्री हीट कर ले तवा, फिर तवे को बिल्कुल स्लो कर दें आँच को और फिर रख दें 8-10 मिनट तक। तो चलिए 8-10 मिनट में मिलते हैं। देखिए 12-15 मिनट हो गए हैं, खुशबू शानदार आ रही है, चूल्हे को करते बंद और आपको भी खुशबू देते हैं। और अब ये सारा ड्राई फ्रूट जो है वो हम डाल देंगे। अच्छे से हिलाएंगे इसको हल्के हाथों से और अब डिश आउट करेंगे। देखा कितना सुकून मिलता है जर्दे को देख के। एक सफा चट, मजीद इसको यमियर और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमारे पास यहाँ देखिए खोया है। अगर आपने मेरी खोए की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप जरूर देखिएगा, बड़ा इजी सा है। मैंने चूल्हे पे भी बनाया और माइक्रोवेव में भी बनाया है। तो ये आसपास डाल देंगे। मैं थोड़ा डाल रही हूँ इस वक्त, एक्चुअली मुझे सारा डालना है, लेकिन मेरी नन जो है वो कह रही थी कि वो डिश जो है वो शायद चेंज करेगी कुछ मैचिंग बर्तन में ना,
तो वो कह रही थी भाभी आप है ना गार्निशिंग का जो है वो ले आना ऊपर से डालना, तो वो भी डाल देंगे, थोड़ा आप लोग के लिए भी डाल देते हैं। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा मुत्तंजन बन गया रेनबो राइस स्पेशली फॉर माय छोटी नन। तो मैं ट्राई करती हूँ और फिर खा के आपको बताती हूँ कि लक कैसा रहा है, क्योंकि वो लोग भी वहां वेट कर रहे होंगे। मेरी पसंद पसंद की सारी चीजें लूंगी। यम। आई एम स्पीचलेस। सुपर डुपर खतरनाक। अब कितना सिंपल है, बस चावलों को आप जब मैंने जैसे बताया ना 90% फिर बोलते हैं बंद करते हैं, हमारे पास तो कैमरा भी होता है, फिर चल के जा रहे हैं, तो वो क्या 5-6% और हो जाता है। तो आपको भी जब बंद करें स्ट्रेन करने के लिए जाएं तो 90-95% के बीच में रखें, बाय द टाइम वो आप डालेंगे तो वो और भी कुक हो ही रहा होता है। और अगर ख़ास तौर से बासमती है जब तो आपको 90% रखना ज़रूरी है, अगर चाशनी वाला ज़रदा नहीं बन रहा है तो। अगर चाशनी वाला बन रहा है तब आपको फुली कुक करना है, अदरवाइज दिस इज़ परफेक्ट। कुछ बनाने में प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना ईजी है कि आप लोग रोज़ रोज़ बना के खाएंगे, मज़े करेंगे और पार्टी शार्टी कर लेंगे। तो चलिए जल्दी ले जाएँ, बनाएँ, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।